बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। दिस इज क्लास नाइन्थ न्यू। ओके, ये न्यू और ओल्ड का डिफरेंसेस हम करेंगे, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि अभी भी वो हमारे पास नाइन्थ ओल्ड चल रहा है। ओके, सो यू आर क्लास नाइन न्यू। मैं थोड़ा देयर आर सम कंफ्यूजन रिलेटेड टू योर कोर्स, तो मैं उसको थोड़ा आई ट्राइंग टू क्लियर अबाउट दिस इंग्लिश सब्जेक्ट। मैं बात कर रहा था उर्दू ट्रांसलेशन की, क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है दैट इज उर्दू ट्रांसलेशन वाला, कि ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। तो उसमें थ्री पैराग्राफ्स क्यों होना होता है, आप लोगों ने दो की ट्रांसलेशन लिखनी है। अभी आप लोगों ने ट्रांसलेशन कहाँ से याद करनी है, एक तो हम आप लोगों को लेसन समझा भी रहे, पढ़ा भी रहे, बट आपको क्योंकि अभी आप लोग स्कूल में नहीं है, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स में उर्दू ट्रांसलेशन अपने सारे पैराग्राफ्स के लिखने हैं। उसमें जो पोएम वाला क्वेश्चन होता है, पोएम जो हमारे पास, देयर आर टू पोएम्स इन योर इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश बुक, एक तो आप लोग ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और एक दूसरा बाद में आ रहा है, तो उसकी ट्रांसलेशन पेपर में नहीं आती, बाकी एक्सरसाइज बाकी चैप्टर से आ सकती है, तीन पैराग्राफ्स। उसमें ज़्यादातर मीडिया वाले चैप्टर से भी इतना ज़्यादा नहीं आती। अभी मैंने सर को फाइल सेंड कर दी और सर ने आप लोगों के साथ ग्रुप में शायद शेयर किया होगा, तो आप लोग दो फाइल मैंने आप लोगों को सेंड कर दी, एक यूनिट नंबर फर्स्ट का और एक यूनिट नंबर टू का। ये दो मैं आजकल, एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं और एक आज मैं पढ़ा रहा था, मैंने आप दो फाइल आप लोगों को सेंड कर दी। आप लोग काइंडली ऐसा करें कि उस दोनों जो फाइल हैं, या तो उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास सेफ रखें एक फाइल में, आप लोग एक फाइल बनाएं। अभी यू आर ए नाइन क्लास, आप अगले साल इंशाल्लाह आप लोग बोर्ड के एग्जाम देंगे, तो अभी से आप लोग एक प्रॉपर मैनेजमेंट मैनेज कर एक फाइल बनाएं और उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, वो महफूज रखे करें, ठीक है। तो आप लोग प्रिंट की निकाल को वो अपने पास रखें, या आप लोग उसी फाइल से अपनी नोटबुक्स पे उर्दू ट्रांसलेशन उतार दें, तो आप लोग वहाँ से करेंगे, बाकी मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। दो फाइल मैंने आज सेंड कर दी। हाँ, उसमें जो एक्सरसाइजेज जो पोर्शन है वो भी गिवन है, बट यू क्वेश्चन आंसर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं या सेंटेंस यूजेज, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ हर यूनिट की एक्सरसाइज की, तो आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, बट यू हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन आंसर एंड सेंटेंस यूजेज ऑन योर नोटबुक्स, आप लोग लिख चुके हैं, हम क्लासेस में कर चुके हैं पहले ऑनलाइन क्लास में, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ओके, फिर ये होता है कि आज मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का और सेकंड यूनिट का पीडीएफ फॉर्म में एक फाइल सेंड करूँगा, वो मैं एक बच्चे की जो आप लोग की सीनियर क्लास है नाइन्थ और के एक बच्चे की नोटबुक से मैंने पिक्चर निकाल के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसकी फाइल में आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने अभी तक, जिसकी नोटबुक इनकम्प्लीट है और उसने अभी तक, if any student has not written, has not completed his work, so he can write from there. मैं आप लोगों को दो फाइल सेंड कर रहा हूँ, यूनिट नंबर फर्स्ट की और सेकंड की, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन आंसर सेंटेंस यूज और प्रीफिक्स वगैरह जो क्वेश्चन है वो आप लोग वहाँ से फिर लिख दें। जो बच्चे नहीं लिख चुके हैं और जो लिख चुके हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज मैं वो भी आप लोगों को दो फाइल सेंड करूँगा, यूनिट नंबर फर्स्ट की एंड सेकेंड की। ओके, बाकी थर्ड का और इस तरह के फिर मैं नेक्स्ट टाइम सेंड करूंगा। ओके, सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। बाकी आप लोग 19 से इंशाल्लाह आ रहे हैं, तो बाकी आप लोग स्कूल में आके हम समझाएंगे। बात ये हो रही थी कि एक किसी ने क्वेश्चन किया था, बेटा अब्दुल हसीब आप अपना जो कैमरा है वीडियो वो बंद कर ले। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारे पेपर में कि राइट डाउन राइट या यूज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस आर idiom इन योर ओन सेंटेंसेस। तो उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि आपको वर्ड्स गिवन होता है, वो हर यूनिट की एक्सरसाइज से उठा के देते हैं पेपर में, आप लोगों ने उसको सेंटेंसेस में यूज करनी है अपनी सेंटेंसेस में। ये क्वेश्चन हमारे पेपर का हिस्सा है 5 मार्क्स का, वो भी हम लोग आप लोगों को कर चुके हैं, बट ये हैं कि सेंटेंस यूजेस, आई जस्ट वॉन्ट टू शेड लाइट ऑन दिस थिंग, सेंटेंस यूजेस, वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट। याद रखे स्टूडेंट्स,
when it comes to English vocabulary. So you know that vocabulary is the building block of any language. If you want to learn any language, for example English, so if you haven't a rich vocabulary, enough vocabulary, so you cannot learn this language. So in order to learn any language, first you have to improve, you must have a good rich vocabulary. Now there are different techniques through which we improve our vocabulary. Sentence uses is one of them. Ibad, am I audible to you? Awaaz aa rahi hai na beta? Yes, Zuhaib, am I clear to you? Yes, sir. Okay. So, baat main kar raha tha sentence uses ki. Jab yaad rakhein, beta, hamare paas jo sentence uses hote, this is one of the techniques through which we improve our English vocabulary. Isme ye hota hai, for example, aapne koi word seekh liya friend se, newspaper se ya kisi book se. कोई भी वर्ड फॉर एग्जाम्पल ओके फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वर्ड सीखा के हॉस्पिटेबल हॉस्पिटेबल ये आपके पास एक वर्ड है ये आपने किसी भी जगह से आपने से अभी द बेस्ट वे टू कीप दिस वर्ड इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी अकॉर्डिंग टू the english i mean according to the english language ya jo teachers keh rahe jo bade jo scholar logo keh rahe ke agar aap apni english vocabulary ko improve karna chahte hain to aap kisi bhi word ko apne sentences mein use kare use that word in your own sentence so you will never forget this that word for example ek word hospitable aapne keh diya ke pakistani are very hospitable okay pakistani are very hospitable yes Zuhaib mute your mic okay if there is any problem then you can tell me okay so this is the best way to improve your vocabulary and to keep a words in your mind for a long term so ye kyunki this is english subject so you have to improve your english through different way फिर उसमें हम ग्रामर पढ़ते हैं साथ साथ लेसन भी साथ साथ चल रहे हैं वोकैबुलरी वगैरह डिफरेंट वर्ड्स ओके सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सीरियस लेनी है अगर आप बुक खोल के देख ले कोई भी एक्सरसाइज में अगर वर्ड्स सेंटेंसेस गिवन हैं तो आप लोग देख ले अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप लोग जो फाइल में संग करा वहाँ से लिख दे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है मैं आप लोगों के साथ पेपर इंग्लिश पेपर का एक पैटर्न और जब आप लोग इंशाल्लाह स्कूल आ जाए तो मैंने ऑलरेडी मेरे पास प्रिंट पड़ी है तो मैं आप लोग को एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करूंगे इंग्लिश पेपर पैटर्न ओके जो बोर्ड का होता है बट हम वेट कर रहे हैं अगर इस बार अगर बोर्ड वाले पैटर्न चेंज ना करें तो वही पुराना वाला पैटर्न मैं आप लोगों को दूंगे ठीक है सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू इसके अलावा जनाब हमारे कोर्स में लेटर्स भी इंक्लूड हैं और यूनिट्स भी और साथ टेंसेस और वॉइसेस है सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल I will teach you all these things. We will cover all these things, okay? During our online classes and when you come to school, so we will do it, okay? I will try my best to cover all these things and to explain you people very well, okay? So hum start hum le rahe the kal ki jo hamari classes on Saturday. Hum unit number 2 us time pad rahe the. Unit number 2 patriotism. बट प्रॉब्लम ये आई थी कि स्कूल की नेट ख़राब थी मैं अपने लैपटॉप से आप लोगों को क्लास ले रहा था बट उस टाइम भी सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही थी सो मुझे पता नहीं चला था बट एक बच्चे की मैं कॉल आई थी कि सर आप जो क्लास ले रहे थे उस में आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी सो टुडे आई एम गोइंग टू रिपीट दैट चैप्टर अगेन ओके पेट्रियाटिज्म याद रखें जब व्हेन वी स्टडी अ लेसन पेट्रियाटिज्म फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं सो वे थिंग्स और कीप इन आवर माइंड दैट मतलब कोई भी लेसन में आप कितनी चीज़ों को कवर करते हैं ओके जो टेक इनटू कंसिडरेशन ओके वे थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन ओके
patriotism. The first thing that is students vocabulary. याद रखिए vocabulary English vocabulary हम कहाँ से सीखेंगे? From our lessons. आप लोग exam के लिए सिर्फ ना लिखिए vocabulary. The second thing spelling. आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कि जो MCQs के पार्ट होता है उसमें 5 जो MCQs होते हैं वर्ड्स स्पेलिंग के होते हैं. ओके स्पेलिंग की तो आप लोगों ने जितने भी मुश्किल वर्ड है फॉर एग्जांपल अनपैरेलल हमारे पास एक वर्ड है तो आपको उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए अनपैरेलल. ओके पेपर में ज़्यादातर ये वाला वर्ड ज़्यादा आता है. या इस तरह सॉवरेंटी आप लोग अभी बैठ के सॉवरेंटी इसमें मैं खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ सॉवरेंटी में एक मिनट. तो इस तरह मुश्किल वर्ड है. ओके सो स्पेलिंग वाला पोर्शन वी विल कवर स्पेलिंग पोर्शन. ओके द थर्ड वन दैट इज ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन. ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन या ग्रामेटिकल कैटेगरीज वो हम देखते हैं लेसन के अंदर. ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन से हमारे पास बेटा मतलब है कि कोई भी वर्ड कोई भी लेसन हो उसके अंदर जो राइटर होता है जिसने लेसन लिखा है वो एक ग्रामेटिकल कैटेगरी पे फोकस कर रहा है. फॉर एग्जांपल उसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस. उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर गिवन. फॉर एग्जांपल जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कलेक्टिव नाउन है ये सारे कॉन्सेप्ट हम लेसन में देखते हैं. या फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर मैं आपको कोई लेसन जब मैं समझा रहा हूँ तो मैं सिर्फ ट्रांसलेशन हमारा टारगेट नहीं है नॉट ओनली उर्दू ट्रांसलेशन. उसमें हमें ये भी करना चाहिए कि एक जगह अगर एक नाउन को एक वर्ड को प्रॉपर या कैपिटल में लिखा है तो क्यों लिखा है तो उसमें हम प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की भी बात करेंगे. ओके सो एक्सप्रेशन की दीज आर ऑल अबाउट ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन. द थर्ड वन दैट इज पंक्चुएशन. ओके पंक्चुएशन के बारे में भी हम but the punctuation are very important. Punctuation kyun important hai writing ke andar? Yaad rakhein ek hamare paas jo language hoti hai ek written language hoti hai ek spoken language hoti hai. Spoken language jab hum english bolte hain ya urdu koi bhi language hai to usme punctuation ki zarurat nahi hoti kyunki us time hum khud jab stop karte hain ya beech mein koi break ya through our face expression gesture wagaira uski tarah मतलब वी कन्वे आवर मैसेज थ्रू आवर फेस एक्सप्रेशन जेस्टर और फ्राज़ेस. स्पोकन लैंग्वेज में तो ये क्लियर है उसमें जरूरत नहीं. उसमें जो होते बोलने वाला और जो सुनने वाला होता है उसको समझ आ जाती है. बट रिटन एक्सप्रेशन में हमें कैसे पता चलता है कि जो बात हो रही है इसमें यहाँ वंडर की बात हो रही है यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ स्टॉप है यहाँ जो स्पीकर है उस गुस्से का खुशी का या ब्रेक कर रहा है ठीक है बीच में कोई पास वगैरह ठीक है तो वी कम टू नो अबाउट थ्रू पंक्चुएशन. पंक्चुएशन के जरिए हमें पता चलता है कॉमा वगैरह ठीक है फुल स्टॉप. जब बात ख़त्म हो जाए तो क्या होता है रिटन एक्सप्रेशन में फुल स्टॉप होती है. सो पंक्चुएशन थ्रू पंक्चुएशन वी कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स. ओके इन और रिटन एक्सप्रेशन इन रिटन लैंग्वेज वन स्पोकन लैंग्वेज अदर इज रिटन लैंग्वेज. सो हम इस चीज़ों को देखते हैं. देयर आर मेनी अदर थिंग्स. ओके और साथ उर्दू ट्रांसलेशन वोकैबुलरी स्पेलिंग ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन एंड पंक्चुएशन इन उर्दू ट्रांसलेशन. ओके सो वी विल कवर दीज थिंग्स. सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू. हम एक लेसन में इसी चीज़ों को सामने रखें. We read a lesson, we learn a lesson, we study a lesson. Okay, कोई भी lesson हो कोई भी unit हो और साथ yes एक और चीज़ मैं बोलिए content is also important. Content क्या होता है? Content जो होता है वो एक idea, central idea यानी content information. उस lesson के अंदर हमारे पास information क्या है? What are the information? इंफॉर्मेशन क्या है? आइडिया क्या है? कोई लेसन हो कोई मॉरल लेसन हो सेंट्रल आइडिया क्या है लेसन की तो उसमें हम ये इसके थ्रू फॉर एग्जांपल अभी आप पेट्रियाटिज्म वाला चैप्टर में अगर आप देख लें तो उसमें हम वी कम टू नो अबाउट व्हाट इज पेट्रियाटिज्म. फिर उसमें हम ये भी कह के द
जो मिलिट्री अवार्ड में सबसे जो बड़ा अवार्ड है दैट इज निशान हैदर. सो वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दैट इज निशान हैदर. सो दिस इज कॉल्ड कंटेंट. उसमें हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, आइडिया वगैरह. सो दिस इज, सो हम कंटेंट को भी पढ़ेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट लेसन पेट्रियाटिज्म वंस अगेन. ओके, हम शुरू से दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि उस दिन प्रॉब्लम आ रही थी लेक्चर में. ठीक है, ड्यू टू लेक ऑफ इंटरनेट एंड ड्यू टू प्रॉब्लम इन नेटवर्क. सो ज़ुहैब, इज इट क्लियर टू यू? बेटर समझ आ गई ना आप लोगों को? अब्दुल हसीब, हसन अजीज? यस सर. यस सर. गुड. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेक्चर. ओके, ओके, पेट्रियाटिज्म. सो पेट्रियाटिज्म पढ़ रहे थे. और याद रखें, जब आप कोई वर्ड सेंटेंस में यूज करते हैं तो जब तक आपको वर्ड्स की मीनिंग, बहुत से बच्चे मैं देख चुका हूँ जब वो सेंटेंस को यूज करते तो उसको वर्ड की मीनिंग का पता नहीं होता, बट बस वो रटा करके पेपर में लिखते हैं. तो आप लोग फर्स्ट बी कंसेप्चुअल. जो कंसेप्चुअल बच्चे होते हैं वो फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में या कम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा होता है. सो बी कंसेप्चुअल. कोई भी वर्ड हो, जस्ट डोंट लर्न वर्ड जस्ट फॉर द पेपर, जस्ट फॉर सेक ऑफ मार्क्स. ओके, फॉर एग्जांपल अभी कमेंडेबल का वर्ड है तो आप कह रहे पेट्रियाटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी, और आपको वर्ड्स की समझ नहीं आ रही कि वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो दिस इज नॉट गुड. सो बी कंसेप्चुअल. ओके, आई होप you will getting what I am saying. Okay, you will be getting. Okay, okay beta, nazar aa rahi hai na screen? ज़ुहैब? यस सर, आ रही है. ठीक है, दिस इज यूनिट नंबर. और आप लोगों को ग्रुप में ही मिल चुके हैं ना सर? मिल चुका. जो आप लोगों की जो क्लास के ग्रुप में जिसमें सर मोइन आप लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं उसमें मैं वो भेज चुके हैं ना सर, वहां से आप लोग डाउनलोड करें. ठीक है, ओके सर. ये देखे, ये साथ उर्दू वर्ड भी हैं और साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी है और साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन अगेन वंस अगेन. ओके, या मैं रीडिंग आप लोगों से करवाता हूँ. ठीक है, एक मिनट, आप लोगों को भी पार्टिसिपेशन करनी चाहिए. ओके, सो ज़ुहैब, ओके, सो रीड द फर्स्ट. आप फर्स्ट रीडिंग रीड करें. यस, फर्स्ट. ओके सर. पेट्रियटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वन्स कंट्री. अ पेट्रियट लव्स फॉर हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन ही नीड अराइजेस. द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा व्हिच मींस कंट्रीमैन. इट इज कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी. Yes, so what is patriotism? A question bhi aap logon ki exercise mein. Patriotism mean love for the motherland or devotion to one's country. Aur jo translation niche given hai ki that hubul watan ka matlab madri watan ke liye mohabbat ya kisi shakhs ke apne mulk se wafadari ko hum kya kehte hain? Patriotism. Patriotism kehte hain usko hubul watan ko aur patriot hubul watan ko. Theek hai. इसके अलावा जनाब, इस सेंटेंस में अगर आप देख ले, विलिंग का मतलब है, विलिंग का मतलब है जब आप विलिंग हो. ओके, विलिंग ऊपर मीनिंग देते हैं अटैचमेंट, इधर ईगर, रजामंद. आप कहते हैं आई एम विलिंग टू जॉइन योर सेशन, यानी मैं
मैं आपकी सेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ. आई एम विलिंग टू अटेंड योर वेडिंग सेरेमनी. ओके यार, आई एम नॉट विलिंग. सो दिस इज द वे, ट्राई टू यूज वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस. दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर स्पोकन लैंग्वेज, टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरीज. ओके, सेक्रीफाइस में थे कुर्बानी को कहते हैं. ठीक है, कुर्बानी ऊपर देखे, गिव अप, कुर्बानी देना. द वर्ड पेट्रियॉट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंट्री मीन. इट इज कंसिडर अ कमेंडेबल क्वालिटी. कमेंडेबल कहते हैं काबिल तारीफ को. ठीक है, पेपर में आपकी बुक में है एडमायरेबल, काबिल सताइश, काबिल तारीफ. ओके, ये काबिल तारीफ को भी समझी जाती है कि क्या ये पेट्रियाटिज्म. ओके, पेट्रियाटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी. ओके सॉरी, ओके द नेक्स्ट वन. एक मिनट, कोई और बच्चा. अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब बेटा आप स्टार्ट करें. यस, पैराग्राफ नंबर टू. आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है. यस, स्टार्ट करें यूनिट नंबर, पैराग्राफ नंबर. पैट्रियटिज्म gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country and supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Okay, just me open my book. I think there is some problem in this paragraph. Okay. Yes, ye hai. Good. Okay, there is no problem. So, keh rahe ke patriotism give people gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. Okay, safeguard कहते हैं महफूज करना. ठीक है, करेज हौसला, स्ट्रेंथ ताकत. ठीक है, इंटरेस्ट कहते हैं उसको, मफादात को. सो मैं उस दिन मैं आप लोगों को इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि हर नेशन जो होती है, हर मुल्क जो होते हैं, उसके अपने एक नेशनल इंटरेस्ट कहते नेशनल इंटरेस्ट उसको कहते हैं. नेशनल इंटरेस्ट मीन कौमी मफाद. तो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी नेशन हो, अपने फैसले अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट करते हैं. ओके, सो कहते हैं कि जो पेट्रियाटिज्म, जो पेट्रियाट होता है, जो मुहब्बे वतन होते हैं, अपनी मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट को, मुफादात को, उस पर कोई समझौता नहीं करते. ओके, उस पर कोई समझौता नहीं करते. बलवतनी लोगों को ताकत और मुल्क और कौम की मुफादात की हिफाजत करने की हिम्मत देती है. एक मुहब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सॉवरेंटी मीन खुद मुख्तारी, इंटीग्रिटी मीन इज्जत एंड हॉनर वक़ार. ठीक है, ये जो ये दीज आर द सुप्रीम वैल्यूज ऑफ आवर कंट्री, ऑफ एवरी नेशन. सुप्रीम वैल्यूज का मतलब है अला अकदार. ओके, सुप्रीम हाइएस्ट. ओके, वैल्यूज मीन अकदार, ये हमारे अकदार है, वैल्यूज हैं. ऑन विच नो कम्प्रोमाइज कैन बी मेड, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. ओके, सॉवरेंटी, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सॉवरेंटी, integrity and honor, these are the supreme values. ye wahi supreme values jis pe hum koi samjhota nahi karte. theek hai, so I hope it would be clear to you. next line, patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. aur patriot jo hota hai, these are the qualities of a patriot. patriot jo hota hai beta, wo is cheezon pe koi compromise nahi karta, iske alawa in aqdar ko qaim rakhne aur inki hifazat ke liye qurbani bhi deta hai. render ka matlab hai pesh karna. render mean पेश करना, कुर्बानी पेश करते ही. मतलब पेट्रियट इज विलिंग टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द टू प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज. ओके, टू प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज, व्हिच वैल्यूज, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी है. अभी इसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जो प्रीवियस साल जो हमारे एयरफोर्स के जो जवान है, वो अपने आप को खतरे में डाल के दुश्मन पे हमला करते. सो दिस, ये हमारे, ये क्या है, ये एक पेट्रियाटिज्म है, एक जज्बा है मुल्क के लिए. ठीक है, मुल्क की जान, जान की कुर्बानी भी
देता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज ओके नेक्स्ट स्टूडेंट दैट इज लेट मी टू हसन अजीज. यस बेटा आप स्टार्ट करें नेक्स्ट वन. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट. ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. ही गेव द मुस्लिम अ सेंस इन द आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम. ही सेड वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म व्हिच गैल्वनाइज्ड. ओके 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 कहते कि कायदे आजम वाज हु वाज कायदे आजम. कायदे आजम वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ही वाज अ ग्रेट लीडर. He was the leader of Muslim League. He joined Muslim League in 1913 and Muslim League was founded in 1906. So Qaid Azam was the man who led this nation, who fought, who struggled a lot for the independence of this country. Okay, so he keh raha hai ki Qaid Azam was the founder of this country and the savior of this nation. Savior ka matlab hai qaum ko bachane wala. Theek hai, so kehte hai ki Qaid Azam, he was a great patriot, a nation builder. Okay, nation builder means the one who built a nation. ठीक है, so कहते हैं कि he was a great lover of Pakistan. Patriot कहते हैं lover of Pakistan. कायदे आजम वाज एक बड़े मुहब्बे वतन और हमारे कौम थे. ओके, ही wanted देखे सेकंड फॉर्म ऑफ देवर फर्स्ट की बात हो रही है. ही wanted और चाहते थे टू प्रोटेक्ट की हिफाजत करे. ठीक है, द वैल्यूज इस अकदार की कल्चर सकाफत ट्रेडिशन रवायात अब द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के मुसलमानों की, यानी वो बरसगीर के मुसलमान की रवायात अकदार और सकाफत की हिफाजत करना चाहते थे. ओके, ही गेव द मुस्लिम गेवन. तो अब इसमें मैं यही बात कर रहा था आप लोगों की हाउ टू फाइंड आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी. तो यहाँ देख लें गिव गेव गिवन. तो अब बहुत स्टूडेंट को इसका पता नहीं होता. ठीक है, give first form gave and given. Okay, so he gave the Muslim a sense of identity by securing a separate homeland for them. Identity कहते हैं शनाखत को. ठीक है, identity mean एक शनाखत होती है और कौन की identification होती है. Okay, तो उसने कायद आजम ने उन्होंने एक अलग वतन असल करके मुसलमानों के लिए इनकी शनाखत का एहसास दिलाया. तो पाकिस्तान असल करने के बाद हमें एक अलग शनाखत एक आइडेंटिटी मिल गई. ओके, सो इट वाज बेस्ड अप टू नेशन थ्योरी एज वेल दैट हिंदू एंड मुस्लिम आर बोथ सेपरेट नेशन दे कैन नॉट लिव टुगेदर. सो फॉर मुस्लिम वी नीड अ सेपरेट होमलैंड वेयर मुस्लिम कैन ओपनली प्रैक्टिस एंड कैन लिव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू द होली कुरान. सो दिस वाज टू नेशन थ्योरी. We must develop a sense of patriotism which galvanizes us into one united and strong nation. Galvanize का मतलब है बेटा मुतहर्रिक करना. ठीक है, inspire करना, stimulate करना. ये जो patriotism होता है ये हमको galvanize करते हैं, stimulate करते हैं, हम inspire होते हैं. ठीक है, मुतहर्रिक करते हैं हमको. तो कायदे आजम ने क्या फरमाया, हमें हुम्मुल वतनी को सोच बोझ कर पढ़ना चाहिए, हम जो हम सबको एक मुतहद और ताकतवर कौम बनने के लिए उबारती है. ओके, सो दिस वाज सेड बाय कायदे आजम. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज ओके यस रेहान सत्ती. बेटा एक मिनट में आपको अनम्यूट कर दो, आओ स्टार्ट करें नेक्स्ट लाइन. यस आ रही है नजर रेहान सत्ती. बेटा आर यू देयर रेहान? ओके रेहान इज नॉट देयर. ओके, हु रेज योर दिस हैंड? असन अजीज एंड हमाद खान. यस हमाद, हमाद स्टार्ट करे बेटा. द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मेनी इंस्टेंसेस when people laid down their lives for the defense of the country in the wars of 1965. Okay, okay, okay. Stop here. Good.
ये कह रहे हैं कि द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। आप लोगों की एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी किया है, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन। अलर्ट का मतलब है बिल्कुल रेडी। ओके, अलर्ट मीन एक्टिव, वॉचफुल, विजिलेंट, अटेंटिव। ओके, हम कहते हैं ना कि ये जो आर्मी सोल्जर स्टैंडिंग अलर्ट, अलर्ट बिल्कुल तैयार, ठीक है, मुस्तैद। ओके, वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन कहते हैं अब बाहर कोई इन्वेजन, इन्वेजन कहता है बेटा हमले को, इन्वेजन मीन हमला। ये कह रहे हैं कि पेट्रियाटिज्म जो होता है वो बलवतनी की जज्बात, जो स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म होता है, जो स्पिरिट, जो जज्बा होता है पेट्रियाटिज्म के, बलवतनी का जो जज्बा होता है, वो हमें गैर मुल्की नतीजे के सूरत में हमें चौकस रखता है, हर टाइम बिल्कुल तैयार रखता है, ठीक है। तो आपकी जो पेपर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है बेटा, जब आप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अपनी माइक को म्यूट करें, ठीक है। ओके, अच्छा 3 मिनट्स रह गए, तो हम जब ये क्लास एंड हो जाए तो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, आज मैं ये लेसन ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, सो जॉइन अगेन। ओके, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, ओके, मैं यही बात कर रहा था कि आप लोगों की एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। सो पेट्रियटिज्म, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर होता है, कवर होता है, और एक सेंटेंस यूजेज उधर है एक वर्ड इन्वेजन, इन्वेजन कहते हैं हमले को, तो ये सेंटेंस आप वहां भी पेपर में लिख सकते हैं। ओके, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मेनी इंस्टेंसेज व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। ओके, कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, व्हेन वी कम टू हिस्ट्री, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हमारे पास बहुत से मिसाइल है। जब 23 मार्च की बात और 30 सितंबर जब आप लोग मना रहे तो आप देखिए राशिद मिनहास एंड कर्नल शेर खान, देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स। ओके, सो ये वही लोग हैं जिसने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों को कुर्बानी पेश की। इंस्टेंसेस बेटा कहते हैं एग्जाम्पल्स, इंस्टेंसेस मीन एग्जाम्पल्स। ओके, फॉर इंस्टेंट हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ओके, मिसाल के तौर पर, लेड डाउन देयर लाइव्स, अपनी जानों का नजराना पेश किया, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क की हिफाजत के लिए। तो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क की दिफा के लिए अपनी जान, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ओके, सो 2 मिनट्स रह गए। ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन, यस यस हमाद, आर यू नॉट देयर बेटा? यस कमर, यस सर, स्टार्ट करें इन द वॉर ऑफ एंड। आप लोग क्लास को दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है? ओके सर, यस, कैरी ऑन कैरी ऑन, शुरू करो सर जी।